कानपुर देहात में समाजवादी पार्टी युवा फ्रंटल संगठन के जिला प्रभारी पंडित धर्मेंद्र त्रिवेदी ने आज उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह की भारी मतों से जीत से गदगद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गजनेर में लड्डू वितरित किए। वहीं पर श्री त्रिवेदी ने कहा कि सुधाकर सिंह की जीत आम प्रदेश की जनता की जीत है। कस्बा गजनेर में आज समाजवादी पार्टी के युवा फ्रंटल जिला प्रभारी पंडित धर्मेंद्र तिवारी ने उत्तर प्रदेश घोसी विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी की शानदार जीत को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ लड्डू बांटे, एक दूसरे का मुंह मीठा कराया और कहा कि महंगाई भ्रष्टाचार से प्रदेश की जनता त्रस्त है। कानपुर देहात का जिला प्रभारी हूँ। आज मैं घोसी विधानसभा की महान जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने अपने मत का सही तरीके से सही जगह इस्तेमाल किया। वैसे पूरी जनता की, पूरी प्रदेश की जनता महंगाई भ्रष्टाचार से त्रस्त है, पूरी जनता बिलबिला रही है। ये चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी का विधायक का अंतिम चुनाव है। इस चुनाव से पूरे प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो माहौल बनेगा, निश्चित तौर पर 2024 में भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।